तो राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में जानेंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात की जाए तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का लिंक जो है अवेलेबल कर दिया गया है। आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के सेकेंड राउंड काउंसलिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग है ये, यहाँ पे क्लिक करके आप कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए लिंक अवेलेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं मैसेज को लेकर के, काफ़ी लोग परेशान हैं कि सर ये मैसेज आया है इसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में मेन रूप से जानेंगे कि डीजीटी की ओर से एक मैसेज दिया गया है, इस वीडियो में ये जानेंगे। ये मैसेज जो है सभी के पास निमी की ओर से गया होगा, जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ उनके पास ये मैसेज गया होगा। तो ये मैसेज देखिए कुछ नहीं है, काफ़ी लोग का क्वेश्चन है कि इस मैसेज में क्या है, इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इसमें इस मैसेज के माध्यम से आप सभी को बताया गया है क्या है। मैसेज पढ़ते हैं, डियर कैंडिडेट, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी ओपन फ्रॉम 30/8 से 31/8 फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, हैव नॉट पेड काउंसलिंग फी, कैन बी पार्टिसिपेट बाई पेइंग द काउंसलिंग फी, काइंडली सेलेक्ट योर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम योर लॉग इन। इसमें मेन रूप से बताया ये गया है कि जो लोग फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिए थे उनको बताया गया है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का लिंक जो है ओपन कर दिया गया है, जो कि 31 तारीख तक ओपन रहेंगे। तो आप सभी कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। अगर आप फीस पेमेंट नहीं किए हैं तो आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव नॉट पेड काउंसलिंग फी, कैन पार्टिसिपेट बाय पे द काउंसलिंग फी, काउंसलिंग फीस पे करके आप भाग ले सकते हैं। तो इसी के बारे में मेन रूप से सेकेंड काउंसलिंग जो हो रही है उसके बारे में बताया गया है, और ऐसा मैसेज में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप सभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को चॉइस कीजिए और कॉलेज में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।